हेलो स्टूडेंट आज का हमारा सब्जेक्ट है गोग्रीन आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फोटीन एनिमल्स अराउंड ऑस बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हम ऐसा दिया है कि आप अपने घर के आसपास जो एनिमल दिखते हो ना उनके आगे आपको राइट टिक करनी है और जो आप नहीं दिखते ना उनके आगे, आगे आप क्या करोगे क्रॉस करोगे नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आज हम एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं फर्स्ट है डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं देखो यहाँ पर हमें पिक्चर दी है ओके okay? जैसे कि काव डॉग शीप हॉट्स ये सब जो होते हैं ना वो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं एनिमल्स दैट लिव इन और नियर आवर हाउस आर कॉल डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिक एनिमल किसे कहते हैं जो हमारे घर के आसपास जो रहते हैं ना उन्हें हम क्या कहेंगे डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि काउ डॉग कैट शीप हॉर्स आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स ये सारे कौन है डोमेस्टिक एनिमल्स है डोमेस्टिक एनिमल्स इंक्लूड पैट एंड फार्म एनिमल्स डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक एनिमल जो होते हैं ना बच्चों उनमें पेट और फार्म एनिमल्स भी आ जाते हैं ओके देन सेकेंड नंबर क्या है पैट एनिमल्स मतलब पालतू प्राणी पैट एनिमल्स लिव विथ अर्स इन अवर होम्स पैट एनिमल किसे कहते हैं जो घर में हमारे साथ रहते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे पैट एनिमल्स यहाँ पर हमें पिक्चर दिए देखो कौन कौन है डॉग डॉग आप पालते हो ना? फिर क्या लिखा है दे मे नॉट बी ऑफ एनी यूज टू अस वो हमारे किसी काम के नहीं होते डॉग पैरोट फिश कैट आर सम एग्जाम्पल ऑफ आवर कॉमन पैट्स वी कीप दैम फॉर कंपनी उन्हें हम क्यों रखते हैं हमारे घर में कंपनी के लिए ओके देन थर्ड farm animals we keep some animals in farms because they are useful to us cow sheep hen horse are some farm animals farm animals matlab khet mein rehne wale animals okay वो हमारे बहुत काम के होते हैं ठीक है बच्चों जैसे कि cow, sheep, hen, horse ये सारे जो है ना वो फार्म एनिमल्स है ओके देन वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट जो जंगल में रहते हैं ना उन्हें हम क्या कहेंगे वाइल्ड एनिमल्स लाइन, एलिफेंट बियर टाइगर आर सम वाइल्ड एनिमल्स विकेंसी डैम इन द ज़ू हम जू में जाते हैं ना तो हमें ये सारे एनिमल देखने मिलते हैं है न शेल्टर फॉर एनिमल्स लाइक हुम्स एनिमल्स ऑल्सो नीड अ शेल्टर टू प्रोटेक्ट डैम स्वेल्स फ्रॉम रेन हीट वाइट स्नो दैर एनिमल्स मतलब जैसे कि हम इंसानों को रहने के लिए घर चाहिए होता है ना घर हमें प्रोटेक्ट करता है जैसे कि बारिश से ओके फिर हीट स्नो उसी तरह एनिमल्स को भी मतलब अपने को सेफ करने के लिए कोई घर चाहिए होता है ना सो वो हम देखते हैं ओके देखो बच्चों वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना वो उनके नेचुरल शेल्टर में रहते हैं जैसे कि फर्स्ट मंकी है ना सो so वो कहाँ रहता है वो ट्रीज़ पर रहता है देन ये लायन है ना वो कहाँ रहता है केव केव मतलब गुफा ओके देन ये स्नैक्स है ना तो स्नैक कहाँ रहता है होल में होल मतलब जो ट्री का होल होता है ना ट्री में होल होते हैं देखो उनमें से सांप निकलते हैं ना तो सांप वही रहते हैं देन कौन है एलिफेंट एंड जिराफ टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज ट्रीज के अंडर मतलब ट्रीज के नीचे रहते हैं ये लोग ओके कौन कौन एलिफेंट और जिराफ देन सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स कई एनिमल्स जो होते हैं ना वो अपने खुद के घर बनाते हैं जैसे कि बर्ड्स बर्ड्स एंट्स बीस ओके बर्ड्स का बोलते हैं न वो चिड़िया फिर कौआ जो होता है ना वो कैसे अपने खुद के घर बनाते हैं देन ants, ants मतलब चीटी चीटी भी अपना खुद का घर बनाती हैं देन बीज बीज भी अपना खुद का घर बनाते हैं ओके देन एनिमल्स लाइक टॉयज एंड स्नेल कैरी देयर होम्स ऑन देयर बैग टोटोइ होता है ना टोटोइ और स्नेल कैरी वो अपना घर अपने पीठ पे ही होता है उनका फिर क्या है पेट एंड फार्म एनिमल्स लिव इन मैन में मेड होम्स पेट और फार्म एनिमल्स होते हैं ना वो हम जो इंसान उनके लिए घर बनाते हैं ना उनमें रहते हैं जैसे कि काउ फर्स्ट काउ है ठीक है काउ किस में रहती है शेड में रहती है देन डॉग डॉग जिसमें रहता है ना उसे क्या कहेंगे हम कैनल कहेंगे देन हॉर्स जिसमें रहता है ना उसे हम क्या कहेंगे स्टेबल हैंड जा रहती है ना उसे हम क्या कहेंगे कूप ओके देन आपको यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर हमें एनिमल्स दिए हैं और उनके साउंड दिए हैं उनको हमें क्या करना है मैचिंग करना है वो आप करोगे ओके देन फूड फॉर एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एनिमल्स होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं जैसे कि लायन टाइगर एंड वोल्फ ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दे आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल लायन टाइगर होता है ना वो सब क्या दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं इसलिए हम उसे क्या कहते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स नेक्स्ट काउ गॉट एंड जेबरा ईट प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स काओ गॉड, छेबरा जो होते हैं ना वो क्या खाते हैं प्लांट्स प्लांट्स के पार्ट्स खाते हैं दे आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स ओके देन एनिमल्स लाइक क्रो एंड बियर ईट बोत प्लांट्स एंड फ्लैश क्रो एंड बियर जो होते हैं ना वो जानवरों का मांस भी खाते हैं और पेड़ों के जो पार्ट्स मतलब पत्तियाँ वो सब होते हैं ना वो भी खाते हैं ओके देन हैन एंड स्कवायर ईट ग्रेन्स एंड नट्स हैन और जो स्क्वायरल होता है ना वो क्या खाते हैं अनाज बोलते हैं ना अनाज नट्स वो सब खाते हैं ओके सो so, बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कितने टाइप्स के एनिमल्स होते हैं वो पढ़ा फिर वो कहाँ कहाँ रहते हैं ओके वो पढ़ा देन उनके घर को हम क्या कहते हैं वो वो भी आज हमने पढ़ा ना सो वो आपको याद रखना है सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है थैंक यू